नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 20 फरवरी दिन शनिवार। आपसे पहली गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। बीकेयू का फरमान, शादी और जश्न में बीजेपी नेताओं को मत बुलाना वरना 100 आंदोलनकारियों का भेजना पड़ेगा खाना। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश की सिसौली में हुई महापंचायत में लोगों से कहा कि बीजेपी नेताओं को शादियों और दूसरे कार्यक्रमों में इन्वाइट नहीं करें। अगर कोई ऐसा करता तो उसे अगले दिन भारतीय किसान यूनियन के 100 कार्यकर्ताओं को खाना खिलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसे चाहो तो आदेश समझने या सलाह समझने। 17 फरवरी को ही महापंचायत में ये ऐलान किया गया था। चंडोली ने किसानों से कहा, दिल्ली पुलिस घर आए तो पकड़ कर बैठा ले। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में किसान नेता गुरनाम सिंह ने शुक्रवार को वीडियो जारी कर किसानों से कहा कि दिल्ली पुलिस के नोटिस पर पेश नहीं हूं, क्योंकि पुलिस नोटिस के बहाने बुलाकर लोगों को पकड़ रही है। चंडोली ने कहा कि दिल्ली पुलिस कई किसानों को घरों से पकड़ रही है। अगर किसी किसान के घर पुलिस छापा मारे तो उसका घेराव कर वहीं बैठा ले, पूरे गाँव को इकट्ठा कर ले। पुलिस वालों को तब तक नहीं छोड़े जब तक जिला प्रशासन आकर ये आश्वासन दे कि दिल्ली पुलिस आपके जिले में नहीं प्रवेश करेगी। उधर दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा है कि किसान आंदोलन के सिलसिले में अब तक 152 किसानों की आंदोलन में गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ लोग जांच में शामिल नहीं होना चाहते लेकिन उनकी मर्जी का मामला नहीं है। किसान नेताओं को नोटिस का जवाब देना होगा। राकेश टिकैत बोले, नुकसान सह लेंगे लेकिन आंदोलन कमजोर नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान 70 सालों से नुकसान झेल रहे हैं। वे एक और फसल के नुकसान के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें फसल काटने के लिए ज्यादा वक्त वर्कर की मदद की जरूरत पड़ी तो तैयार हैं। वे फसलों को घरों पर रख लेंगे लेकिन आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। हरियाणा में बड़ा ट्रेन हादसा, रिवाड़ी नारनौल ट्रैक पर पटरी से उतरी मालगाड़ी, 90 में से 50 कंटेनर पलटे, ब्लॉक हुई रेलवे लाइन। हरियाणा में रिवाड़ी नारनौल रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार को एक मालगाड़ी डीरेल हो गई। हालांकि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन करीब 50 कंटेनर उतरकर पटरी पर बिखर गए। वहीं रेल पटरी पर उखड़ गई है। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। डबल कंटेनर लेकर रेलगाड़ी रिवाड़ी से नारनौल की तरफ आ रही थी। बाछोद मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। मालगाड़ी में 90 कंटेनर थे। हादसे में करीब 50 उतरकर पलट गए और वहीं से रेल पटरी भी उखड़ गई। हादसे की सूचना लोको पायलट ने रेलवे अधिकारियों को दी है। खबर मिलते ही RPF और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। करनाल में उचाना बाईपास पर कैंटर और स्कॉर्पियो में आमने सामने से टक्कर, 3 गंभीर। हरियाणा के करनाल जिले में नेशनल हाईवे पर उचाना बाईपास पर हुए सड़क हादसे में 3 जिंदगियां बाल बाल बच गई। शुक्रवार सुबह एक स्कॉर्पियो और कैंटर के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो बुरी तरह से चिपक गई, वहीं इसमें सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही उचाना सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हाईवे पर बने पार्क हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। वहीं जांच पड़ताल के दौरान स्कॉर्पियो से 31 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है। इस कैश के बारे में घायलों से पूछताछ की गई है। SHO के मुताबिक पूछताछ में घायलों ने बताया कि वे पंजाब के रहने वाले और कंबाइन लेने जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली से आ रहे कैंटर से उनकी टक्कर हो गई। गुरुग्राम में की जा रही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान, 20 स्थानों पर लगाए जाएंगे स्पीड डिटेक्टर कैमरे। हरियाणा के गुरुग्राम जिला में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान करके वहां पर स्पीड डिटेक्टर CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। ये निर्णय शुक्रवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया फैसला। स्पीड डिटेक्टर CCTV कैमरे लगाने की जरूरत पर बल देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 20 स्थानों की सूची तैयार करें जहां पर स्पीड डिटेक्टर कैमरे लगवाने की जरूरत है। ये कार्य CSR से पूरा करवाने की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा। प्रयुक्त ने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए स्पीड डिटेक्टर कैमरे लगवाने अत्यंत आवश्यक है ताकि वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाए जा सके। IAS अफसर के खिलाफ दुष्यंत चौटाला ने CM को लिखा पत्र। डिप्टी CM चौटाला और एक 1991 बैच के IAS अधिकारी के बीच विवाद सामने आ रहा है। चौटाला ने CM मनोहर लाल को 2 पत्र भेजे जिनमें से IAS अधिकारी के खिलाफ शिकायत है। सूत्रों की माने तो इस मामले में CM ऑफिस की तरफ से ये पत्र चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन के पास भेज दिए गए हैं।
बताया जा रहा है कि फाइल में किसी नोटिंग को लेकर विवाद हुआ है। बता दें कि दुष्यंत चौटाला के पास 10 से अधिक विभाग है। बताया जा रहा है कि आईएएस अफसर के साथ विवाद हुआ है। वह पहले दुष्यंत के 2 विभागों में कार्यरत रह चुका है। विवाद की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला द्वारा लिखे गए पत्रों में आईएएस अफसर को सस्पेंड करने की सिफारिश तक की गई है। सोनीपत में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने महिंद्रा मैक्सिमो को मारी टक्कर, नाबालिग समेत 2 लोगों की मौत। हरियाणा के सोनीपत जिले में गुरुवार रात सड़क हादसे में नाबालिग समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हादसा बदाना रोड पर खरखोदा कस्बे के खांडा गाँव के पास हुआ है। कोर्ट ने युवक को सुनाई उम्र कैद की सजा। शादी से इनकार करने पर चाकू से गोद कर की थी युवती की हत्या। शादी से इनकार करने पर चाकू से गोद कर युवती की हत्या करने वाले शख्स को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही करीब 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वारदात हरियाणा के हिसार जिले में अंजाम देगी। दोषी की पहचान भिवानी के तौर पर हुई है। 15 फरवरी को ही नवीन को एडीजी डॉक्टर पंकज की अदालत ने दोषी करार दिया है। पानीपत में कई दिनों से घना कोहरा देखने को मिल रहा है। शहर के मुकाबले हाईवे और देहात में कोहरे की मार अधिक रही है, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कोहरे के साथ दिन और रात के तापमान भी बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अरब सागर से नमी मिलने और पंजाब की ओर से आ रही सर्द हवाओं के कारण सुबह शाम को घना कोहरा छाया रह सकता है। 20 फरवरी तक ऐसे ही कोहरा छाने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव आएगा। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है। बस का इंतजार कर रहे फौजी को एम्बुलेंस ने रौंदा मौत। हिसार में शुक्रवार को भारत माँ के किनारा हादसे का शिकार हो गए। 1 महीने की छुट्टी काटकर श्रीनगर में तैनात ये फौजी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए घर से निकला ही था। इंतजार बस का हो रहा था। इसी समय एक एम्बुलेंस कॉल बनकर आई। एम्बुलेंस के नीचे फंसे फौजी के पार्थिव शरीर को बुरी तरह से मुश्किल से बाहर निकाला गया। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। INLD सुप्रीमो OP चौटाला ने फिर कोर्ट की ली शरण। हरियाणा के पूर्व CM JBT भर्ती मामले में दोषी OP चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। OP चौटाला ने हाईकोर्ट में जेल से रिहाई की मांग की। इस मामले में अब 23 फरवरी तक पैरोल अवधि बढ़ा दिया है। OP चौटाला ने कोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने अधिसूचना के तहत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुषों और 70% से अधिक विकलांगता वाले कैदियों को विशेष छूट दिए जाने का हवाला दिया। इस मामले में अब कोर्ट की तरफ से हैरानी जताई गई। इस कोर्ट में दिसंबर 2019 के आदेशों की अनुपालना न करने पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन डिवीजन बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिया। चौटाला की पैरोल अवधि 23 फरवरी तक बढ़ा दी है। मनोज यादव हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय से पुलिस नागरिक सेवाओं के साथ परिवार पहचान पत्र के एकीकरण तथा एम्प्लॉय कॉर्नर का शुभारंभ किया है। IT के क्षेत्र में की जा रही नई पहलों को सराहना करते हुए DGP ने कहा कि हरियाणा पुलिस के लाभार्थियों को विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं को स्वचालित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए लगातार ई मार्ग अपनाया जा रहा है। रेलवे ओवरब्रिज से लेकर तोशाम बाईपास तक बनेगा 4-लाइन रोड टेंडर जारी। BNR मार्च से जिले भर में क्षतिग्रस्त नए मार्गों का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके अलावा तोशाम रेलवे ओवरब्रिज से लेकर तोशाम बाईपास तक लगभग 1.5 किलोमीटर तक लंबे मार्ग को 4-लाइन बनाया जाएगा, जिसके तहत लागत पर करीब 6 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके विभाग द्वारा टेंडर जारी किए गए, जो कि मार्च से शुरू होगा। मार्ग का निर्माण कार्य लगभग 2 साल से अटका हुआ था। अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा। शहर में पनप नहीं 33 अवैध कॉलोनियां। कैथल में नहीं थम रहा अवैध कॉलोनियों को काटने का कारोबार। DDP अनिल नरवाल ने कॉलोनियों में अवैध रूप से बनाएगी कॉलोनियों पर चलाया पीला पंजा। कैथल के मॉडल टाउन के करीब 4 एकड़ जमीन में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित हो रही थी, जिस पर DTP ने कार्रवाई करते हुए गिरा दिया है। बेरोजगारी कालम, चपरासी के 13 पदों पर 28,000 युवकों ने किया आवेदन। पानीपत में बेरोजगारी का एक सफेद सच सामने आई है। पानीपत कोर्ट में चपरासी की नौकरी के लिए 13 पदों पर 27,000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। चपरासी की नौकरी में शिक्षा 8वीं पास मांगी गई थी। युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी की वजह से उन्होंने आवेदन किया था। पानीपत में पहुंचे आवेदनकर्ता युवाओं ने कहा कि कम से कम चपरासी की नौकरी तो मिल जाए। पानीपत कोर्ट में निकाले गए योग्यता 8वीं पास है, लेकिन MA, BTech, BSc और होटल मैनेजमेंट का कोर्स के युवक भी चपरासी की नौकरी की चाहत में जुट रहे हैं। विभाग द्वारा करीब 3,000 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बोला
साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। पहले इनके दस्तावेजों की जांच की जाती है, दस्तावेज में कमी पाए जाने पर इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष धनखड़ के कार्यक्रम का विरोध। कृषि अध्यादेशों को लेकर सरकार के विरोध में डटे किसान अपने विरोध का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। जहां पर रोजाना किसानों की ओर से जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें सरकार के किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का ही विरोध क्यों ना करना पड़े। ऐसा ही मामला शुक्रवार को झज्जर में भी देखने को मिला, जब यहां बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए समय से पहले किसान कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने कार्यक्रम का विरोध करते हुए न सिर्फ सरकार के खिलाफ बल्कि धनखड़ के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। किसान अपने हाथों में काले झंडे लिए हुए थे और कुछ ने काली पगड़ी भी पहन रखी थी। हालांकि जिला प्रशासन ने यहां सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में आंदोलन पर बैठे किसानों को गुज्जर ने बताया विपक्षी। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्ण लाल गुर्जर ने सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को किसानों के हितों में बताते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली में बैठे हुए किसान नहीं बल्कि विपक्ष के लोग हैं, जानबूझकर मोदी सरकार को बदनाम करने में जुटे हैं। गुर्जर ने पूछा कि क्या ये किसान आंदोलन है, यहाँ देशद्रोहियों के पोस्टर लहराते हैं। 23 को समाप्त होगा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल, रिकॉर्ड वापस लेने की कवायद शुरू। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त होने जा रहा है। सरकार के आदेशों के बाद अब प्रशासन ने सरपंच, पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों से शक्तियां और रिकॉर्ड वापस लेने की कवायद शुरू कर दी है। उपायुक्त फतेहाबाद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। पंचों, सरपंचों, जिला परिषद सदस्यों को पदमुक्त करने के बाद प्रशासक इस संस्थाओं का कामकाज देखेंगे। उपायुक्त ने बताया कि सरपंचों, पंचों का कामकाज देखने को BDPO प्रशासक होंगे, जबकि पंचायत समिति के लिए SDM प्रशासक होंगे। वहीं जिला परिषद का कामकाज देखने के लिए विभाग के CEO प्रशासक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच आज भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदोली का एक बड़ा बयान सामने आया। आंदोलन चल रहा है, उन्होंने कहा कि वह ठीक ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है। जो आज पंचायतों का दौर शुरू हुआ उसकी हरियाणा और पंजाब में कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर पहले से आंदोलन को लेकर अच्छी जागृति, मेरे ख्याल से लोग भी इसको नहीं चाह रहे हैं। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा और पंजाब में सभी भाई ये पंचायत बंद कर दें, खासकर खाप और अन्य भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये पंचायत अन्य राज्यों में हो, क्योंकि अगर पंचायतें हरियाणा पंजाब में हो रही तो हमें अन्य राज्यों में जाने का समय कम मिलता है। हरियाणा और पंजाब के भाई धरनों पर ज़्यादा ध्यान से सिस्टम बनाने की, हर गाँव में से यहाँ वहाँ आदमी आएंगे। गाँव वाले भाइयों से अनुरोध करूँगा कि वह दलित भाइयों और मजदूरों को साथ लेकर चले, उनको भी इस पूरे आंदोलन को बागडोर संभालने का मौका दें। घर के पास चौराहे पर गड़े शख्स की 3 गोलियां मारकर हत्या। सोनीपत का एक गांव पीपली केड़ा गोलियों की गूंज से दहला उठा। यहां एक शख्स की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। शख्स की हत्या पैसे के लिए देन को लेकर की गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद सामान्य हॉस्पिटल भिजवा दिया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरकार को किसानों के संघर्ष का सम्मान करना चाहिए, उनके पूरी तरह जायज है। इसलिए सरकार को किसानों से बातचीत कर जल्द समाधान निकालना चाहिए, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का। हुड्डा सेक्टर 7 स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगन डागर के आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को भी संबोधित किया। सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। वक्त के साथ आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। देश भर में किसानों को मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी, छोटे व्यापारियों का साथ भी मिल रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में अगले 2 दिनों से 1 हफ्ते के अंतराल पर तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान जताया। किसानों को गेहूं, चने, सरसों की फसलों व सब्जियों में कीटों व रोगों की निगरानी बारे में आग्रह किया है। प्रदेश भर में रविवार तक मौसम खुश्क रहने और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने मगर रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से आंशिक बादलवाई, बीच बीच में हवा चलने और दिन के तापमान में हल्की कमी रहने की संभावना है। हिसार में दिन रात के तापमान में करीब 15 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 22 फरवरी तक के बाद रात्रि और सुबह के समय छाई रहने वाली धुंध छांटने के आसार है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम खुश्क रहने ने कहा है कि मौसम खुश्क रहने में दिन के तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए फसलों, सब्जियों में फलदार पौधों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई शुरू कर दें। ध्यान में रखते हुए गेहूं, चने व सरसों की फसलों व सब्जियों में कीटों व रोगों की निगरानी के बारे में भी आग्रह किया गया है और 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान हिसार में है। मौसम विज्ञानकों ने 1 मार्च तक इसमें करीब 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। 2 लाख की नकली नोटों सहित पकड़ा गया युवक। स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने 2 लाख की नकली
भारतीय मुद्रा व अवैध हथियार सहित हत्या के अभियोग में वंचित अपराधी को जिंदल पार्क हिसार से काबू किया है। स्पेशल स्टाफ हिसार की पुलिस टीम सहायक उप निरीक्षक धर्मवीर के नेतृत्व में गश्त के दौरान बरवाला रोड पर मौजूद थी। बस स्टैंड परिसर में विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को रोडवेज विभाग के हेड मैकेनिक को 45,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। हेड मैकेनिकल रामनिवास पर आरोप है कि उसने विभाग के मैकेनिकल कर्मी जय भगवान से पदोन्नति दिलवाने का लालच देते हुए रिश्वत की मांग की। जय भगवान ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग से की थी। इस पर विजिलेंस इंस्पेक्टर अनिल कुमार की अगुवाई में टीमों का गठन किया गया, जबकि बिजली निगम के एक्शन ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे और रिश्वत की राशि ली। विजिलेंस टीम ने जय भगवान को इसका इशारा पाते उसे दबोच लिया। पानीपत की कुटानी रोड क्षेत्र स्थित चावला कॉलोनी निवासी पूरण सिंह के पुत्र देवेंद्र ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। थाना किला पुलिस जांच में जुटी है। 12 फरवरी को देवेंद्र अपना फोन चला रहा था। बहन ने फोन मांगा तो देवेंद्र ने देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर बहन व भाई के बीच कहासुनी हो गई। घर में शोरगुल होता देख पूरण ने देवेंद्र को डांट दिया। पिता की डांट से दुखी देवेंद्र घर से बिना स्वेटर चप्पल पहने निकल गया। देर रात तक देवेंद्र घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा है। जहां पर लापता होने की शिकायत दी गई थी लेकिन अब उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो वीरवार को गांव डिंडार के पास एक युवक का शव मिला, जिसके बाद उसकी पहचान है वो उपाई है। हरियाणा में कांग्रेस पर्यवेक्षकों पर बढ़ रही कुमारी सैलजा और हुड्डा समर्थकों में खींचतान। हरियाणा विधानसभा के सेशन सत्र से पहले ही कांग्रेस में खींचतान बढ़ती जा रही है। ताजा विवाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा द्वारा नियुक्त जिला पर्यवेक्षकों को लेकर है। सैलजा द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने जहां हर जिले में जाकर अपनी गतिविधियां शुरू कर दी, वहीं हुड्डा समर्थकों ने अपनी अलग राजनीतिक लाइन खींच ली है। हुड्डा समर्थकों ने इस बात को लेकर खासी नाराजगी, उन्हें जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में खास भाव नहीं मिला। जबकि सैलजा समर्थक पर्यवेक्षक विभिन्न जिलों में जाकर हुड्डा समर्थकों से राजनीतिक सहयोग मांग रहे हैं। इसके साथ ही दोनों खेमे प्रदेश भर में अपने अपने हिसाब से राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हैं। फिलहाल हरियाणा की टॉप फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। किसान आंदोलन को लेकर लगातार हम आपकी राय को बरकरार रख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, आपकी राय पेश कीजिए। और फिलहाल हरियाणा में क्या लगता है, किस तरीके के बीजेपी और जेजेपी सरकार के गठबंधन को लेकर हालात हैं? क्योंकि खट्टर और दुष्यंत दोनों किसान आंदोलन पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या अब हरियाणा की सरकार को किसानों की मांगों की ओर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने आप को किसान हितेशी और किसान नीति से जुड़ा होते हुए बताती हैं। अक्सर इसी नाम पर हरियाणा में चुनाव से पहले अक्सर रैलियाँ होती रही जिनमें किसान जय जवान के नाम से रैलियाँ होती रही, लेकिन अब वही देश का किसान जब सड़कों पर बैठा है तो यही सरकार सुनने को राजी नहीं है। फिलहाल आज के इस अपडेट में इतना ही। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग तेज रहना के साथ इसी तरीके से अपडेट रहें, जुड़े रहें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें। विषय जो भी सीखें आप, पर इसका ज्ञान जरूरी है। आपकी विजय यात्रा मानो भाषा बिना अधूरी है। मिलकर बढ़ाएंगे हम साथियों सफलता से नजदीकियां, एकाग्रता के साथ सीखेंगे मातृभाषा की बारीकी। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप सीखेंगे हिंदी भाषा मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर।